तो राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं सुमित। तो भाई आज अपने सामने है MG की हेक्टर। तो आज हम इस गाड़ी के ओनर से मिलेंगे और जानेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का अपनी इस कार के साथ, MG कंपनी के साथ में। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि ये इसका शार्प वेरिएंट है जो कि इसके टॉप वेरिएंट्स में आता है। और एक और चीज़ कि भाई इसका वॉक अराउंड का तो आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, तो उसके बारे में तो बात क्या ही करनी है ना। तो बिना मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो सीधे अपनी बात करते हैं मुद्दे की और चलते हैं इस कार के ओनर के पास में। तो भाई आज अपने साथ हैं अंसारी भाई। अंसारी भाई की एक कार है, ये इसको ओन करते हैं। तो सबसे पहले तो अंसारी भाई स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। थैंक यू भैया। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि 2019 में आपने एक कार बुक कराई थी और तभी शायद MG हमारे यहाँ इंडिया में आया था। एक्चुअली क्या था, जो ये आई थी जब तभी हमारा हमारा मूड बना था लेने का। एक यूनिक था, काफी सारे फीचर्स दे रही थी गाड़ी कंपनी, काफी सारे फीचर्स दे रही थी। एक पैरानोमिक सनरूफ था इसमें, जो किसी गाड़ी में नहीं था उस टाइम, अवेलेबल नहीं था। तो काफी सारी चीजें जो जिसे चीजों ने अट्रैक्ट किया हमें इस तरफ जी, तो इसलिए हमने ये गाड़ी सिलेक्ट की थी। सब गाड़ियों हमें एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन दो गाड़ियों का था, एक हमारे पास एक्चुअली ऑप्शन जो था हमारे पास टाटा हैरियर का था और इसका हेक्टर का था, MG हेक्टर का। तो जैसा आपने उस टाइम ली, तो जैसा नई नई कंपनी इंडिया में आई थी, तो आपको ये डर नहीं लगा कि मैं इतना पैसा इसमें डाल रहा हूँ, क्या रिस्पॉन्स रहेगा अपने यहाँ क्या नहीं? एक्चुअली क्या है, हमने काफी रिसर्च करने के बाद ये गाड़ी ली थी जी हमने, और एक तो नई कंपनी थी, थोड़ा उस चीज का डर था जो आप कह रहे हो ठीक है। और उसके बाद भी हमने काफी चीजें देखी इसके अंदर, रिसर्च की है, जाके हमने एक्चुअली हमने कम से कम 5 से 6 बार हमने इस गाड़ी को जाके अलग अलग शोरूम में जाकर के चेक किया था हमने जी जी तो उसके बाद फिर एक हमारे नोन थे जो MG में, हमारे जो एक्चुअली मेरे ब्रदर के फ्रेंड है जो MG में ही वर्क करते हैं, तो उन्होंने भी रिकमेंड किया कि ले लो, कोई इशू नहीं है, गाड़ी बहुत बढ़िया है, फीचर वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है। तो भाई कितने की पड़ी थी वैसे जब आपको ये? सर ये गाड़ी मेरे को पड़ी थी अराउंड 20.15 की पड़ी थी। 20.15। हाँ जी। तो भाई इस रेंज ये में एक्चुअली तो क्या, ये टॉप एंड मॉडल है, पेट्रोल का टॉप एंड मॉडल, जो शार्प मॉडल जो आता है जी, पेट्रोल में है जी, पेट्रोल में, ये पेट्रोल में शार्प मॉडल जो आता है इसका, और हाइब्रिड। तो सर मतलब ऐसी क्या क्या चीजें थी जिन्होंने अट्रैक्ट किया आपको कि आप इस पर जाएं? एक सर सबसे पहला तो इसका पैरानोमिक सनरूफ था, सनरूफ का एक्चुअली क्रेज था बहुत ज्यादा, सनरूफ लेना, सनरूफ वाली गाड़ी लेनी है, तो इसलिए पैरानोमिक सनरूफ ने एक अट्रैक्ट किया। दूसरा इसका जो इसके वॉइस कमांड के जो फीचर्स हैं जी जी, जो उसमें वॉइस कमांड देके हम कुछ भी अपना AC क्लाइमेट अपना ऑन करना है, हमें अपना कुछ और कुछ कुछ ओपन सनरूफ ओपन करना है, तो उस चीज के लिए वॉइस कमांड एक यूनिक सा फीचर लगा दो। मतलब बेसिकली देसी भाषा में बोले तो बात करने वाली गाड़ी। हाँ, बात करने वाली गाड़ी। अच्छा, एक चीज सर प्रैक्टिकली बताइए मुझे, सनरूफ का कितना यूज आपने किया है? इसका सनरूफ का यूज एक्चुअली क्या ना, ये गाड़ी जो अभी ये मेरे ब्रदर वो रन कर रहे हैं इस गाड़ी जी, को जी। तो मैं जब भी चलाता हूँ तो मैं तो उसको सनरूफ का प्रॉपर यूज करता हूँ। करते हैं मतलब आप इसके पैसे वसूल रहे हैं? मैं पूरे वसूल कर रहा हूँ। एक्चुअली ब्रदर थोड़े बहुत ज्यादा प्रोफेशनल टाइप के, तो वो इतना यूज नहीं करते जी, जी। बट हम जब भी निकलते गाड़ी लेके बाहर तो अपना सनरूफ ओपन करना, और एक्चुअली फैमिली वाले सिस्टर सब निकलते तो हम यूज करते हैं अच्छे से सनरूफ। अच्छा सर, 20 लाख 22 लाख में जब बंदा जाता है इस रेंज में, तो एक कंफर्ट सबसे पहले देखता है, और इस रेंज में जो 2019 तक या आज भी हम कहें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कार अपने इंडिया में कही जाती है इनोवा जी, तो क्या उसकी तरफ भी देखा था आपने? हाँ, इनोवा में हमारे स्टॉप गई नहीं, हम इनोवा की साइड पे गई नहीं। अच्छा सर, जीप को भी देखा था क्या आपने? जीप की जीप कॉम्पैक्स भाई, एक्चुअली ब्रदर जो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे जीप कॉम्पैक्स में, वो इंटरेस्टेड नहीं थे, वो कहते कुछ इतनी वो नहीं चाहिए, जीप कॉम्पस जैसी गाड़ी चाहिए, बट एक्चुअली उनको किसी कईयों ने रिव्यू थोड़े सही नहीं दिए थे। अच्छा, तो भाई जीप कॉम्पस की तरफ एक्चुअली हम गए नहीं, हमारे पास दो ही ऑप्शन हम लेके घूम रहे थे बस, हैरियर और हेक्टर। तो भाई मैं आपको एक बार ये दिखा दूँ आपको इसका, ये देखिए इंफोटेनमेंट सिस्टम, मतलब पूरा एक तरह से आप मान लो एक TV लगा कर इन्होंने दिया है। तो सर क्या जैसे वॉइस कमांड वगैरह है इसमें, जो फीचर्स आपको मिल जाते हैं वॉइस कमांड के, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि इसमें लैग है या कभी कुछ प्रॉब्लम आई हो, कोई इशू आया हो इसके साथ? नहीं, ऐसा तो कभी इशू नहीं हुआ, एक्चुअली इसका अपडेट आता रहता है। अच्छा, इसका अपडेट एक्चुअली सिम इंसर्ट है, इंटरनेट इसके सिम जी, इसकी अपनी है जी, तो उसमें जो भी अपडेट्स आते हैं डेली अपडेट, डेली नहीं कह सकता कि अभी तक जो है मेरे को 2 साल हो गए इस गाड़ी को ऑन किए, तो 2 साल में कम से कम 4 बार इसका अपडेट आ चुका है सिस्टम का। अच्छा, इसमें सर कुछ चार्जेस वगैरह भी कंपनी लेती है क्या इसका? चार्जेस मीन्स किसी से? जो इसमें इंटरनेट इंसर्ट जो देते हैं जो फीचर्स हैं इसमें, जो अभी जो इन्होंने एयरटेल के सिम इंसर्ट करके दिए इसमें, एयरटेल के जो जो सिम है वो अपनी 3 साल तक है, 3 साल तक मुझे कोई चार्जेस पे नहीं करने इसमें इंटरनेट के, उसके बाद फिर वो पेड होगा जो मुझे रिचार्ज
जो भी अपडेट जी करना जी हो आगे के लिए। हाँ, तो जस्ट लाइक अ फोर्ड पास, जैसे हमें फोर्ड में देखने को मिल जाता है 3 साल का फ्री, उसके बाद वो हाँ पेड हो हाँ जाए। हाँ 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 वही तो है। बाकी सर ये इतने मतलब इतने सारे स्टीयरिंग पे भी आप देख रहे हैं कंट्रोल्स, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या क्या चीजें हमें इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जो कि और इंडियन कार्स हमें नहीं दे रही, जैसा कि एक आपका वॉइस कमांड हो गया। और वॉइस इस कमांड तो आपको ऐसी जी है, जी अब जो भी बोल रहे हैं हेलो एमजी, हेलो एमजी, जी एक्चुअली उसका आ गया, प्लीज ओपन द सनरूफ, हेलो एमजी, हाय, हाउ कैन आई हेल्प? प्लीज ओपन द सनरूफ। ये देखो भाई, ये फीचर्स हैं जो के एक मैं बोलूं दीवाना बना देते हैं लोगों को, इस कार की ओर आकर्षित कर देते हैं। तो केवल आपको इससे बात करनी है, आपको इससे कहना है, और ये आपके आदेश का पालन तुरंत कर देती है। तो भाई जैसे कि इसको करीब 1.5 साल से ओन कर रहे हैं, तो भाई का कहना है अभी तक इसमें कभी कोई इशू नहीं आया, कोई लैग वैग नहीं, ऐसा नहीं कोई, है। ऐसा कोई इशू नहीं आया कभी भी, ऐसा कि अपना वॉइस कमांड में हेलो एमजी प्लीज क्लोज द सनरूफ, एमजी आज ही बेइज्जती कराएगी क्या? हेलो एमजी आई एम हियर प्लीज क्लोज द सनरूफ। ये देखो भाई, तो ये हैं भाई फीचर्स। अच्छा एक चीज़ बताइए सर, जैसे ये आपका मोबाइल माउंट है, ये इनबिल्ट चार्जर है इसमें जी, इनबिल्ट तो ये एमजी की तरफ से इसमें मिला है या एज नहीं, एसेसरी नहीं है? सर ये एज एसेसरीज परचेज किया था जी, जो भाई के आईफोन का जो अपना आजकल फीचर्स अच्छा, आ गए हैं वो वायरलेस चार्जिंग के लिए, तो उस पर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया उन्होंने, तो भाई ये भी बहुत सही है। वैसे हाँ देखने में बड़ा प्रीमियम लगता है, खैर कार भी प्रीमियम है लेकिन अलग ही लुक है इसका, इसका वायरलेस चार्जर का, बाकी सब कुछ भाई इसमें अगर बात करें तो IRVM वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक है, कहने की बात ही नहीं है। डैशबोर्ड आप देख लीजिए इस तरह का नज़र आता है एकदम, मतलब सभी कुछ प्रीमियम है भाई, मैं क्या बोलूँ। अच्छा सर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है पीछे, तो उसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए इतनी बढ़िया गाड़ी, सब कुछ इतना प्रीमियम, तो ये इसके साथ क्या घटना घटी है? ये इसका ये घटना, ये नॉब एक्चुअली क्या बच्चे ने तोड़ दी, ये नॉब अच्छा। यहाँ पे, ये नॉब यहाँ पे ऐसी नॉब यहाँ पे भी थी, बच्चे ने एक्चुअली तोड़ दी ये नॉब। मतलब आपने कहा हाँ नहीं कि भाई इतने पैसे ले रहे हो आप, इस तरह का आप दे रहे हो कि बच्चों के हाथ से ही निकल जाए, ये पता नहीं कि कैसे हुआ ये, वो एक्चुअली मुझे भी ध्यान नहीं है, बच्चे वे बैठते हैं पीछे। बाकी सर ये AC वेंट आपको यहाँ पर सफिशिएंट लगते हैं या मतलब यहाँ पर जैसे साइड में जैसे XUV हमें दे देता है उस तरह से होना चाहिए था ऐसा कुछ? अभी तो ऐसे जैसे हमने मैंने भी पीछे बैठ के वैसे उसमें ट्रैवल किया है जी, तो मुझे AC AC खैर पावरफुल है, AC कोई इशू नहीं है। और था भाई ये देखो आप स्पेस, मेरी 5'11" हाइट है आप सभी को पता है, ये देखो भर भर के स्पेस है, हेड रूम वगैरह शोल्डर रूम वगैरह सब कुछ बढ़िया है, एक नंबर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अब मेन चीज आते हैं इंजन पर, जैसा कि आप बता रहे हैं इसमें पेट्रोल इंजन है जी, तो क्या माइलेज आप इससे ले लेते हैं? सर माइलेज के मामले में बात करें तो ये 8-9 की एवरेज देती है मैक्सिमम, सिटी में, सिटी में, सिटी में जो देती है एवरेज 8-9 की एवरेज देती है। हाईवे पे एक्चुअली मैं अभी तक लेके नहीं गया हूँ, तो हाईवे का भी मतलब नॉलेज तक हाईवे पर गए ही नहीं आप? हाईवे पे भी गई नहीं हुई एक्चुअली, ये कोरोना स्टार्ट हो जी, गया जी, तो कहीं जाने का मौका नहीं मिला। तो सर 8-9 का एवरेज, खैर जो बंदा 20 लाख की कार लेगा उसको माइलेज से कुछ फर्क नहीं, लेकिन फिर भी सर मतलब 8-9 कुछ आपको लगता नहीं कुछ ज्यादा ही कम है? बहुत कम है उस हिसाब से, आज के टाइम पे देखा जाए जिस तरह पेट्रोल का रेट जैसे अब जा रहा है तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है, बट एक शौक था। नहीं शौक बड़ी चीज़, शौक वही शौक, बड़ी शौक चीज़। वाली चीज थी, शौक की गाड़ी लेनी है ऐसी, हेक्टर लेनी है, एक न्यू न्यू ब्रांड था, एक सब कुछ नया था लोगों के लिए। तो बाकी इसमें सर ये तो सीट्स तो ऐसी आई होंगी, सीट कवर वगैरह सीट तो सब कुछ ये ऐसा एक्चुअली जो हमने जो लिया था इसमें 20,000 का अराउंड का वो था जी, एसेसरीज का पैक लिया था हमने जी, तो उसमें सब कुछ इंक्लूड था, इसमें कुछ क्रोम का क्रोम के क्रोम गार्निश लगी है बाहर गाड़ी में जी जी, तो ये सब चीजें थी कुछ तो उसमें इंक्लूड था जो अपना। अच्छा सर सेफ्टी की बात करें तो कितने एयर बैग हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं? 6 एयर बैग है, 6 है, 6 एयर बैग आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें, ये दो फ्रंट में आपको, दो इधर पिलर्स पर और दो यहाँ पर पीछे, हाँ दो पीछे, ये 6 एयर बैग्स हैं। बाकी भाई सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, मुझे तो कुछ कमी लगी नहीं रही, और 20 लाख की गाड़ी में आप क्या कमी निकाल सकते हो, तो ये है भाई। बाकी सर अब मेन चीज आती है आफ्टर सेल सर्विस, तो क्या आप संतुष्ट हैं एमजी की आफ्टर सेल सर्विस से? बिल्कुल संतुष्ट हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है एक्चुअली, जो सर्विस मिल रही है बहुत बढ़िया सर्विस मिल रही है, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस में है, और अगर आप जाते हैं एमजी की तरफ तो अगर 20 लाख की गाड़ी लेते हो आप सोचते हैं कम से कम 10-15 लाख तो मेरा 10-15 हजार सॉरी हर मंथ तो मेरा लगेगा लगेगा सर्विस के टाइम पे, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है जी।
मैक्सिमम हमारी जो सर्विस हुई है 5, 4, 5, 4, 5 के बीच में। सर कितना चला दिया गाड़ी को आपने? गाड़ी जो हमारी चल चुकी है सर, कहाँ गया, 8731। ज्यादा गाड़ी चली नहीं हुई तो सर एक ही सर्विस हुई होगी? नहीं, इसकी दो सर्विस हो चुकी है एक्चुअली। फर्स्ट सर्विस 500 के जी पर किलोमीटर की थी और सेकंड सर्विस एक और हो चुकी है इसकी। तो इसकी 5000 पर है क्या सर्विस? अभी पता नहीं एक्चुअली, बीच में कुछ हुआ था, प्रॉब्लम कुछ हुई थी इसमें, तो उसमें उन्होंने सर्विस की थी दोबारा। प्रॉब्लम क्या हुई थी, इसका जो इंजन से आवाज कुछ आ रही थी तो इस वजह से उन्होंने सर्विस की थी, बट उसके बाद से ठीक है, ओके। बाकी सर कंपनी वारंटी क्या दे रही है इसमें अपने को? वारंटी 5 इयर्स की है। 5 इयर्स, 5 इयर्स की है। उसमें एक हमने प्लान लिया था जिसमें 3 इयर्स तक जो है उसका सर्विस वो करके देंगे जी। कोई पार्ट्स के कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं आएंगे उसमें जी जी। तो वो सब चीजें हैं इसमें। तो मतलब आप और फैमिली में सभी लोग संतुष्ट हैं अभी तक इस कार से? हाँ बिल्कुल संतुष्ट, पूरी तरह से बिल्कुल संतुष्ट। माइलेज से भी संतुष्ट? माइलेज से संतुष्ट जी। तो भाई कुल मिला के 20 लाख की गाड़ी लेने वाला ओनर वैसे तो संतुष्ट ही होगा अगर कुछ उसको इशू इंजन में ना आए तो। बाकी फीचर्स भाई जैसा कह रहे हैं सारे बढ़िया हैं, कोई लैग वगैरह नहीं है, सब कुछ सही है। सीट अगर आप देखोगे तो मैं जैसे बैठा हुआ हूँ सीट कंफर्टेबल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है सीट वगैरह में भी। एसी भी पावरफुल है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। बाकी तो ये था भाई एक एमजी हेक्टर के ओनर का एक्सपीरियंस उनकी कार के प्रति पेट्रोल इंजन के साथ। तो भाई तो अभी तक संतुष्ट हैं, इन्हें कोई शिकायत नहीं है। तो अगर आप इस रेंज की गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आप 20 लाख रुपये खर्च करना चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी भाई की राय पूछ लेता हूँ सर, आप क्या रिकमेंड करेंगे ये गाड़ी किसी को? मैं बॉस बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, करेंगे बिल्कुल रिकमेंड। तो भाई 100% सेटिस्फाइड है भाई, कंपनी सर्विस दे तो ऐसी कि कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाइड होके जाए। तो आप भी इसको देख सकते हैं अगर आप लेना चाहें। बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, सब तो कुछ सही है। एक्चुअली इसका दूसरा वो अपग्रेड मॉडल भी आ गया है जिसमें वो 7 सीटर दे रहे हैं जी। जाना नहीं चाहते अभी, जो गाड़ी ऐसे बहुत सेटिस्फाई है इस गाड़ी से, तो उसे लेने का भी अभी दूसरे का तरफ जाने का हो नहीं गया, सोचा ही नहीं कभी। तो भाई भाई बिल्कुल सेटिस्फाई है गाड़ी से, वो फुली रिकमेंडेड है भाई के द्वारा आप सभी के लिए। तो ये था भाई एक छोटा सा वीडियो अभी के लिए। बाकी अगर वीडियो ठीक लग गया हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। और लास्ट में भाई का बहुत बहुत थैंक यू चैनल पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।